क्या करना है, कंपोस्ट खाद बनाना है। ये तुम्हारे फिफ्थ क्लास की जो बुक है उसके अंदर भी तुमको प्रैक्टिकल भी है। कंपोस्ट खाद बोलते क्या, एक ऑर्गेनिक खाद है जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर जहर का इस्तेमाल नहीं होता, जो पौधों के लिए झाड़ों के लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है। तो ये सब चीज़ें कंपोस्ट खाद से बनेगा, अपने घर के कचरे, अपने घर में भाजी वाले का कचरा निकलता, फ्रूट के छिलते, सब्जियों के छिलते, वेस्टेज जो भी रहता, तो वो चीज़ से अपन क्या करेंगे, खाद बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ज़मीन है अपने पास में उसमें क्या कर लेंगे, अपन ऐसे गड्ढा खोद लेंगे, गड्ढा खोद लिए उसकी मिट्टी हटा लेंगे और उसमें क्या करेंगे, अपने घर की जो भी सब्जी वगैरह है, छिलते निकले, झाड़ों के पत्ते निकले, देखो जैसे ये झाड़ों के पत्ते, सब्जियों के छिलते, ये भाजी के छिलते, ये सब क्या करेंगे अपन इसके अंदर पूरा फैला कर डाल देंगे। ये सब पूरे छिलते अपन इसमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर देंगे, डाल देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, पानी ले लेंगे और अपने को इसमें गोबर की ज़रूरत है, तो गोबर से क्या होता है, जल्दी से पत्ते अपने डिजॉल्व होते हैं, तो अपन गोबर को क्या करेंगे, पानी में मिला लेंगे और इसका लिक्विड बना लेंगे पूरा, ठीक है। ये पूरा अभी अपना क्या हो गया, गोबर पूरा पानी में मिक्स हो गया, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, पानी को अपन ये कचरे के ऊपर छिड़क देंगे पूरा, देखो इस तरह से पूरा ये आधे इस पर डाल देंगे, ये गोबर का पानी पूरा इस पर अच्छी तरीके से पूरा डाल देंगे। डालने के बाद में जो मिट्टी अपन ने निकाले थे, मिट्टी से क्या करेंगे, इसको ढक देना है पूरा। बस इतना ध्यान रहे कि जब भी तुम घर का कचरा जमा करेंगे उसके अंदर पे प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, जमीन में सड़ता नहीं है ना। थोड़ी सी महीने और मिट्टी छान के रखा था, ये भी इसको डाल के आपको पूरा कवर कर देंगे। पूरी मिट्टी को अपन फैला देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो बचा हुआ पानी है उसको पूरा अपन छिड़क देंगे। ये पूरा डाल दिए, अब अपना काम है इसमें हर दो तीन दिन के बाद में क्या करने का, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते जाने का। उससे क्या होगा, 10-15 दिन के अंदर पूरे सब्जियों के पत्ते छिलटे डंडिया जो भी है वो सब पूरे सड़ जाएंगे और उसका पूरा क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। फिर अपन उसको खोद कर निकाल कर अपने घर के झाड़ों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अपने झाड़ क्या होंगे, ग्रो होंगे ऑर्गेनिक तरीके से। थैंक यू।